जिला एमसीडी के अंतर्गत आने वाला इकलौता नगर पालिका निगम चिरमिरी में स्थित नीलम सरोवर पार्क की स्थिति कई वर्षों से ज्यादा खराब है। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि नीलम सरोवर पार्क में झूले सभी जगहों से टूटे हुए, नाव ट्रेन इत्यादि बहुत दिनों से खराब होकर बंद पड़े हुए हैं, जिस पर कि नगर पालिका निगम के द्वारा कोई भी देखभाल नहीं की जा रही है। दूर दूर से आए लोग पार्क का लुत्फ उठाने में निराश होकर लौट रहे हैं। जब इस बारे में उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि पार्क की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस प्रकार से झूले टूटे हुए हैं, आने वाले भविष्य में बच्चों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। इस पार्क में तो हम लोग बच्चे को एंजॉय करवाने के लिए लेके आते हैं, और जब बच्चे यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, आज से करीब 10 साल पहले से भी इस पार्क में बहुत अच्छी थी यहाँ कुछ व्यवस्थाएँ, लेकिन आज व्यवस्थाएँ पूरी तरीके से बिगड़ी हुई हैं। झूला टूटा हुआ है, ट्रेन नहीं चल रही है, मछलियाँ नहीं चल रही हैं, और जो पानी बोर्ड है वो भी खराब पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से नगर निगम को पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए, और जिस तरीके से नगर निगम ने टिकट लेके और अपने पार्क का मतलब घुमाता है हम लोगों को, व्यक्तियों को मतलब सैर करवाते हैं, घुमाते हैं, बच्चे को लेके आते हैं सारे लोग, तो काफ़ी लोग निराश भी होते हैं। कुछ झूले टूटे हुए रहते हैं, कुछ ये हिल रहे हैं। पहले ये नीलम सरोवर पार्क जो है बहुत अच्छा होता था, और अभी देख रहा हूँ कि ये इसमें नाव का सुविधा रहता था और अभी नहीं है, टूटे पड़े हुए नाव, और आपका एक्वेरियम जो है मछली एक्वेरियम वो भी बंद पड़े हुए हैं, उसमें ना मछली है कुछ है, और आपका जो ट्रेन चलता था वो भी नहीं है, चल रहे हैं सब बंद पड़े हुए हैं, और आपका जैसे कि लाखों रुपया खर्च करके आपका फुहारा म्यूजिक वाला जो है सिस्टम वो भी बंद पड़े हुए हैं, और जैसे कि यहाँ लंगी लंगी तारें हैं, हैं इसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जैसे कि बहुत से झूले जो हैं ख़राब पड़े हैं, और जैसे कि उसको हिलाने पे हिलते हैं, जिससे बच्चे लोग को दुर्घटना हो सकती है। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए दीपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।